चलिए आज हम लोग फ्रेंकल दोष के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग तीन और दोष के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। रिक्ति दोष होता है, अंतराकाशी दोष होता है और आपका शॉटकी दोष होता है ना। इन तीनों दोषों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को फ्रेंकल दोष के बारे में जानना है। फ्रेंकल दोष क्या होता है? जब क्रिस्टल में धनात्मक आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं तो क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें आयन के स्थान पर छिद्र का निर्माण हो जाता है। देखिए, ये आपका एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में होता क्या चीज है? टेम्परेचर बढ़ाया गया। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण होता क्या चीज है? कोई भी जो आयन होगा, जो जहां पर बैठा होता है अवयवी कण, वहां से वो निकल जाता है। निकल करके कहीं दूसरे बाहर नहीं जाता, बल्कि वो निकल करके अंतराकाशीय स्थान में चले जाता है। जो उसके जगह खाली जगह रहता है उस जगह में चले जाता है। यानी कि जहां पर बैठा था, नियत जो स्थान था, वहां से निकला, निकल के अंतराकाशीय स्थान पदार्थ में ही पाया जाता है। हर एक पदार्थ में पाया जाता है, ठीक। तो उस अंतराकाशीय स्थान में चले जाता है। और जहां पे नियत स्थान होता है आपका पदार्थ यानी कि अवयवी कण का, वो जगह जो है आपका खाली हो जाता है ना, छिद्र बन जाता है, वहां पे होल टाइप का बन जाता है आपका। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, इसी दोष को फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाता है। और इस दोष का खोज जो है 1926 ईस्वी में ये फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है यार, शॉटकी दोष जो है 1930 ईस्वी में खोज किया गया था, यह आपका 1926 ईस्वी में खोज किया गया फ्रेंकल के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंकल दोष में बस इतना ही याद रखना है कि जो अवयवी कण है, आयन है, वो नियत स्थान से निकला, निकलने के बाद वो कहां चले गया? अंतराकाशीय स्थान पे चले गया है। तो यहां पे हुआ क्या? पदार्थ से यानी क्रिस्टल से अवयवी कण यानी कि आयन निकल के बाहर गया नहीं, वो उसी पदार्थ में ही रहा, लेकिन वो जगह स्थान को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसमें हम लोगों को दो प्रकार का दोष दिखने लगता है। हम लोग रिक्ति दोष पढ़े थे। रिक्ति दोष में होता क्या चीज है कि कोई भी है ना आयन या अणु या परमाणु क्या करता है? जगह छोड़ के बाहर चले जाता है। यहां पे देखिए, जगह छोड़ दिया, तो जगह छोड़ दिया तो इसको हम लोग रिक्ति दोष भी कह सकते हैं। दूसरा दोष भी दिख रहा कि अवयवी कण जो होता है इसके अंतराकाशीय स्थान में चले आता है। हम लोग वैसे दोष को अंतराकाशीय दोष के नाम से जानते हैं। इस फ्रेंकल दोष में दोनों प्रकार का दोष एक ही साथ घटित हो जाता है, निकल के आ जाता है एक तरीके से उसी का, वही अणु आयन निकला तो वहां पे आपका रिक्ति दोष बना और अंतराकाशीय स्थान में चले आया तो आपका क्या हो गया? अंतराकाशीय दोष कहलाया। और इस प्रकार के दोष को दिखाने वाले दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं, चाहे कोई भी क्रिस्टल हो। ये किस प्रकार के क्रिस्टल में होता है? तो ये सभी क्रिस्टल में होता है। AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये सभी क्रिस्टल है और इन सभी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में हुआ क्या? क्रिस्टल का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहा। कारण क्या रहा परिवर्तित होने का? क्योंकि तापमान बढ़ा, अवयवी कण अपना स्थान छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद वो उसी क्रिस्टल के है ना अंतराकाशीय स्थान में रह गया, वो बाहर गया ही, उसी क्रिस्टल के अंतराकाशी में रहा। तो द्रव्यमान क्या हुआ? बढ़ा नहीं, ना ही घटा, जाएगा बाहर तभी ना घटेगा। तो अपरिवर्तित रहा द्रव्यमान, जब अपरिवर्तित रहा तो क्रिस्टल का घनत्व भी क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित हो जाएगा, है ना। ये आपका रो, तो एम एम बदला ही नहीं, एम आपका उतना ही है, तो ये एम बाय भी हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी एम भी दोनों सेम ही, तो क्या हो गया? घनत्व जस का तस हो गया, फोटो कॉपी हो गया, ठीक है। तो घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है। यह दोष उत्पन्न होता है क्या कारण है या किसमें उत्पन्न होता है? तो यह जो दोष होता है उत्पन्न होता है किस प्रकार के क्रिस्टल में? तो निम्न उप सह संयोजन वाले क्रिस्टल में। जिस भी क्रिस्टल का सह संयोजन नंबर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न होता है, कम होता है, वैसे ही क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के क्रिस्टल में जिसका उप सह संयोजन नंबर संख्या बहुत ही निम्न होता है, कम होता है, इसमें एक गुण देखा गया है कि ये जो धनात्मक आयन होता है उसका जो आकार होता है ऋणात्मक आयन की तुलना में काफी छोटा होता है।
अगर ऋणात्मक आयन अगर इतना बड़ा है तो धनात्मक आयन इतना बड़ा है, यानी कि धनात्मक आयन जो होता है वो काफी छोटा होता है, इसीलिए लिखा गया छोटे आकार के धनायन वाले क्रिस्टल में। जो भी क्रिस्टल में जो धनायन होता है प्लस वाला, अगर वो आयन क्या होगा ऋणात्मक आयन के तुलना में छोटा होगा, उस प्रकार के क्रिस्टल में आपका यह दोष उत्पन्न होता है। तो जितना भी यहाँ लिखा गया AgCl, AgBr, AgI, ZnS, तो यहाँ पे जो है आपका Ag प्लस वाला है। Ag क्या है? प्लस वाला, यानी कि धनायन आपका Ag ही होगा। ये Ag प्लस और Cl माइनस, ये हो गया आपका धनायन, ये हो गया ऋणायन। इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है, और एक क्लोरीन का आयन क्या होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल में आपका यही फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। तो फ्रैंकल दोष के परिणाम देखा है कि इस दोष के घनत्व में कोई भी बदलाव नहीं आता, इस दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक जो होता है वो शिथरांक है ना, वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ परावैद्युत शिथरांक बढ़ते जाएगा, और यही रहा एग्जाम्पल आपका फ्रैंकल दोष पाए जाने वाला, जितना में भी पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग फ्रैंकल दोष के बारे में भी जान लिए, और इससे पहले शॉटकी दोष के बारे में जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष का तुलना करेंगे, अंतर करेंगे।